पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी कॉल लेनी है कि क्या एक लेग स्पिनर ओरिजिनल को खिलाना है या दो ऑलराउंडर्स के साथ जाना है, क्योंकि अगर भारत को हराना है तो फिर आपको बहुत बड़ा ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। रमेश भाई आपसे ये जानना चाहेंगे, साउथ अफ्रीका के हमने काफी पॉजिटिव की बात की, बैटिंग जबरदस्त, मिडल ऑर्डर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक के लिहाज से, फास्ट बॉलर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिस तरह हमने रबाडा की खासतौर पर बात की, जॉनसन की बात की, बट स्पिनर की भी बात मैं मस्ट आपसे पूछना चाहूंगा। मिराज ने लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, आज भी बहुत शानदार बॉलिंग की, साथ उनको कम्प्लीमेंट हमने देखा कि बहुत जबरदस्त किया, शुरू में विकेट नहीं ले पाए शमसी, बाद में उन्होंने लास्ट दोनों विकेटें ली, कैसे देखते हैं उनके स्पिन डिपार्टमेंट को? स्पिन डिपार्टमेंट ठीक है, बहुत अच्छा है, इसलिए कि एटलीस्ट रेगुलर बॉलर्स हैं और फिर आप ट्रस्ट कर सकते हैं रेगुलर बॉलर्स पे, जो पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। सो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी कॉल लेनी है कि क्या एक लेग स्पिनर ओरिजिनल को खिलाना है या दो ऑलराउंडर्स के साथ जाना है, क्योंकि अगर भारत को हराना है तो फिर आपको बहुत बड़ा ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की। बट एनीवे इस वक्त साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, सो पेस बॉलिंग भी है और उसके बाद स्पिन भी है, रन्स भी कर रहे हैं, ये बबल कब बस्ट होगा, सब ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये थ्रू आउट ऐसे खेल के और एंड तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, पीक क्या पहले कर रहे हैं या ठीक तरह से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको ऐसी विक्ट्रीज की जरूरत भी है कि एक धाक अपनी बना सके ताकि लोग इनके बारे में बात कर सके, और रेपुटेशन अब इनकी अच्छी खासी ठीक हो गई है और 8 दफा की टीम बन चुके हैं जिन्होंने 400 लगा दिया, ये भी एक बहुत बड़ा इनके क्रेडिट जाता है कि दुनिया की पहली टीम जिसने 8 दफा 400 प्लस किए हुए, नहीं 4 इनिंग्स में 4 दफा 300 प्लस किया इन्होंने जी, और ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि इनकी बैटिंग तगड़ी है। मार्करम का फॉर्म में आने से बड़ा फर्क पड़ा, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट है, पहले स्पिन पे बहुत हल्के थे, फिर स्पिन को अब अच्छा खेल रहे हैं और 5 मैचों में 4 लगातार 50 कर गए हैं, तो ये अच्छे साइंस है जिसकी वजह से फिर हौसला मिलता है, क्योंकि देखिए बैटिंग चलेगी भारत में तो फिर ही आप बॉलर्स जो है वो बच सकेंगे, क्योंकि बॉलिंग को तो मार पड़नी पड़नी है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग को कर रहा था कि साउथ अफ्रीका 310 कर जाएगा, मगर होंगे ऐसे, और ये मुश्किल पिच थी, ये 300 की पिच नहीं थी, तो बैटिंग जो है उसको क्लिक करना है। रवि भाई जिस तरह हमने सुबह भी बात की, कल रात को भी डिस्कशन की कि साउथ अफ्रीका को डिफरेंट करने लगी है, और जो माइंडसेट था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, कहीं ना कहीं हमें लगा कि जब पहले बैटिंग करते हुए जिस तरह मेन टाइम के ऊपर जब उनकी अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी मैक्रम की, और साथ डीकॉक भी खेल रहे थे, क्लासन ने भी चिप ऑन किया, 350 ऑन द कार्ड नजर आ रहा था, बट 30-40 रन अच्छी बॉलिंग के बाद रोक लिया, दे वर एब्सोल्युटली इन द गेम। कहाँ लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मिस्टेक की, ये प्रीवियस मैच का मेंटल ब्लॉक था, कोई प्रेशर था, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की साउथ अफ्रीका ने? एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के कैचेस ड्रॉप किए, 9 कैच ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, ये कभी इतने में नहीं आता है। सो जो गड़बड़ थी वो यहां से शुरू हुई, फिर उसके बाद जो साउथ अफ्रीका है ना, वो उन्होंने जो फॉर्म का जो दिखाई उस लपेटे में ऑस्ट्रेलिया आई, और जो डीकॉक की बैटिंग थी उसने सारा इनका बेड़ा गर्क कर दिया, रिदम का, जो एक फास्ट बॉलिंग का एक हवा बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया का, और वो तोड़ा, इसलिए कि साउथ अफ्रीका सारे सर्किट में फास्ट बॉलिंग को सबसे अच्छी खेलती है, इनका रिकॉर्ड बताता है, स्टैट्स बताते हैं, और फिर एक दफा जब स्टार्ट में लिया फिर इस पिच के ऊपर बहुत रन करवा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, फील्डर फास्ट बॉलिंग जैम्पा को दोनों तरफ मार पड़ी। मैक्सवेल अगर आपका मेन स्पिनर बन जाएगा तो फिर हालात खराब ही है। रमेश भाई आपको लगता है कि क्या बेसिक चीजें मिस्टेक की जो ऑस्ट्रेलिया का हमने डोमिनेंस देखी है लास्ट 25-30 इयर्स के अंदर, पहली दफा हमें लग रहा है कि दे आर नॉट ऑन द कार्ड, ये कहीं ना कहीं इनकी चीजें मिसिंग है, क्या बेसिक समझते हैं? स्पिन की तो बात कर ली, सारे बाकी हमें दिखने में तो लगता है पेपर पे सब कुछ है, बट कुछ ना कुछ मिसिंग है, वो क्या आप समझते हैं? देखिए ये एजिंग स्टार्स भी हैं, वार्नर थोड़े से बस हुए हैं, स्टार्क जो है उस तरह की उनके पास खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट में वैसी बॉलिंग नहीं करते हैं। वही बात है कि आप मुख्तलिफ फेजेस में आके बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ती है ओडीआई में, ये T20 की तरह नहीं है कि स्प्रिंट मार रहे हैं 100 मीटर्स की, ये थोड़ा सा आपकी 1400 मीटर या 800 मीटर कह ले वो रेस होती है, उसमें थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। फिर जो आपके नेचुरल स्ट्राइकर्स हैं इनका मिडल ऑर्डर, वो भी देखे ना, अगर स्मिथ है और लबुशेन है तो ये कोई बहुत बड़े ओडीआई प्लेयर्स अभी नहीं बने हुए हैं। स्मिथ जो है वो ठीक है, ऊपर पे जाके थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उनकी आई है, बट ये अगर आप दुनिया के 5-7 मिडल ऑर्डर के बैट्समैन जब नॉमिनेट करें तो इनमें इनका नाम नहीं आता है। सो ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग खराब,
बोलिंग कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ऐसे लगता है कि हरेडली ये टीम इकट्ठी कर दी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि ज्यादा तवज्जो नहीं दी, चार ओडीआई पुराना कप्तान डाल दिया इन्होंने, तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस भी है और फिर आपको थोड़ी सी इसमें एनर्जी चाहिए जो कि मिसिंग है अभी तक। ये ठीक बात है कि दो बड़े मैचेस खेले हैं मगर ऑस्ट्रेलिया से सारी दुनिया घबराती है बिकॉज ऑफ द सीवी, जो बॉडी ऑफ वर्क है इनका वो बड़ा इंप्रेसिव है। और ये भी बात ठीक है, अभी भी आगे जा सकते हैं। आई थिंक 6 मैच जीतने हैं टीम को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में, सो अभी इनके पास एक आउटसाइड चांस है।